और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और रायपुर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, कल कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी होगा। अभी अपडेट आपको बता दें, रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री और अब बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक ली जाएगी। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी सीधे एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, इंतजार खत्म, आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं? देखिए ऋतु, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। ये काफिला उनका यहां से बढ़ना शुरू हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है उनका दौरा। देखिए चौथा दौरा है, बीते अगर मैं बात करूं दो माह में, चौथा दौरा होने वाले में अपने आप में पर्याप्त है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा। ये देखिए, ये 4792 गाड़ी दिख रही है, देखिए सामने आपको अमित शाह जो है वो नजर आ रहे हैं। ये यहां से सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए यहां से निकले हुए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये उनका कारकेट यहाँ पर जाता हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो आए क्यों है। देखिए आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे यही है उनके आने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है और 15 साल सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से सत्ता में 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, कैसे कमबैक किया जाए, ये बड़ा कारण है इस बैठक का जो होने वाली है अभी। और ये बैठक लगभग 3 से 3:30 बजे तक रात तक चलेगी। ये बैठक अमित शाह को देखिए लगभग 6:40 को आना था, ये प्रोग्राम ऑलरेडी लगभग 4 घंटे के आसपास डिले हो चुका है। अभी मान के चलिए कि ये बैठक अब तत्काल, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदे, सभी वहां पर बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहां से सीधा गाड़ी जो है काफिला वो सीधा बीजेपी कार्यालय की तरफ जा रहा है। मतलब साफ है बैठकों का दौर शुरू होगा, क्योंकि ये जानकारी आई कि बैठक सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और जो कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जिनके ऊपर महती जवाबदारी है, टिकट वितरण की उनको महती जवाबदारी है, जिनको पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था, उनके साथ ये बैठक होनी है और ये बैठक लगभग 3:30 तक चलनी है। और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आरोप पत्र जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी करेगी, लगभग 100 से ज्यादा बिंदुओं का ये आरोप पत्र है, जिसमें कुछ शक्ल ऐसी बनाई गई उस आरोप पत्र की, मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को उसमें जगह दी गई है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल समय है, राजनीतिक समय है और हर दल दूसरे दल को ये बताने की कोशिश में कि उसने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। तो भ्रष्टाचार पे आधारित ये पूरा जो है ये पुलिंदा रहेगा, जिसको आरोप पत्र का नाम दिया गया। 10:30 बजे जारी करेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए अमित शाह यहां से निकल चुके हैं। बिल्कुल, यहां से निकल चुके, अपडेट पहुंचाते रहिए आदित्य जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं रायपुर और कुछ ही देर बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे और इसके साथ ही कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि कल कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र गृह मंत्री जारी करेंगे।